नमस्कार दोस्तों, गांधी नॉलेज बैंक के इस ऑनलाइन क्लासेज में मैं विवेक ने आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और हमारी क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं और हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और शेयर भी ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले एक छोटा सा टॉपिक है, 5-6 मिनट की क्लास होने वाली है। तो इसमें देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्राइम फील्ड या इसे कहते हैं अभाज्य क्षेत्र। प्रश्न आता है और आता भी रहेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2014, 2015, 2017 इस प्रकार के एग्जामों में पूछा जाता है। और चाहे जहां भी ये टॉपिक लगता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्राइम फील्ड क्या होता है। इसीलिए मैंने ये 5-7 मिनट की क्लास बनाने की कोशिश की है कि आपको ये इस चीज के लिए मैं तैयार कर दूं कि प्राइम फील्ड क्या होता है या अभाज्य क्षेत्र क्या होता है। देखिए, अभाज्य क्षेत्र क्या होगा, हमने पढ़ा कि अफ, ठीक है, अफ क्या था, हमारा फील्ड था जो हमने इसके लिए ऑपरेशन लगाए थे, यानी कर्म विनिमय होना चाहिए, तत्समकी और दूसरा गुणात्मक प्रतिलोम। अगर क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। कर्म विनिमय, कॉमिटिविटी, रिंग विद यूनिटी और मल्टीपल इनवर्स यदि मौजूद हो तो ऐसी रिंग क्या कहलाती है, हमारी फील्ड। और हमने इसका जो फील्ड का ही जो हमने सब फील्ड पढ़ा, उपक्षेत्र, यदि वो इन संक्रियाओं के लिए भी एक फील्ड हो और क्लोज्ड की प्रॉपर्टी को फॉलो करे तो ऐसा क्या कहलाता है, उपक्षेत्र कहलाता है। और हमने उपक्षेत्र के लिए पढ़ा कि एक उचित जो प्रॉपर और इम्प्रॉपर था विषम, यानी जो एक तो स्वयं खुद जो फील्ड है स्वयं होगा तो भी ये खुद का उपक्षेत्र होगा, और यदि उसमें जीरो एलिमेंट है तो वो भी खुद एक उपक्षेत्र होगा। यानी अभाज्य क्षेत्र को आप सुनिए यहां से, यदि कोई फील्ड है अफ, कोई फील्ड यदि अफ का कोई उचित, दोबारा थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूं कि अफ का कोई अब सुनिए क्या है कि यदि अफ जो हमने पढ़ा, यदि अफ फील्ड का कोई उचित उपक्षेत्र न हो, उपक्षेत्र या सब फील्ड न हो तो अफ क्या कहलाता है, अफ प्राइम फील्ड कहलाता है। बस इतनी सी डेफिनेशन है और यही हमें लिखनी है अगर एग्जाम में पूछा जाए। तो यदि किसी फील्ड अफ का कोई उचित या इसे कहें प्रॉपर सब फील्ड न हो तो अफ क्या कहलाएगा, प्राइम फील्ड कहलाएगा। और यही हमें ध्यान रखना है, प्रॉपर सब फील्ड नहीं, प्रॉपर क्षेत्र, सॉरी दोस्तों, फील्ड यानी खुद इसका ही कोई उचित क्षेत्र विद्यमान न हो, उचित क्षेत्र का यानी खुद जी ही जो हमारा सॉरी जो अफ ही है वही हो, यानी अफ के बराबर इसका पूर्ण अफ हो और भी कोई इसके कोई उचित फील्ड न बनते हो। उचित फील्ड के बारे में हमने सारी चीजें जानी थी, यानी यदि अफ का कोई उचित फील्ड न हो तो अफ प्राइम फील्ड कहलाता है। और हमें ये याद रखना है, पूछा जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये मैं कन्फ्यूजन ये क्लियर कर देता हूँ। The field Q of rational number is a prime field. कि the field Q of a rational number is a prime field, यानी जो प्रिमेय संख्याओं का जो फील्ड है, क्षेत्र है, वो क्या होता है, प्राइम फील्ड होता है। अब देखिए Q है, अब इसका सबसेट मान लीजिए हमने अफ माना है, ये इसका क्या है, प्राइम फील्ड है, सिद्ध करना है हमें। अब प्राइम फील्ड यदि मैं अफ के बराबर क्यू प्रूफ कर दूं, ये हम माने इसका क्षेत्र होगा, तो इसके बराबर यदि मैं अफ बराबर क्यू कर दूं तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब क्यू का है तो अफ हमने मान लिया, क्यू का है तो इसका सबसेट होगा। अब देखते हैं कि एक बिलोंग टू अफ तो होगा,
अब एक बिलोंग टू अफ है, यानी अफ में से एक बिलोंग करेगा, उसका जो तत्समक अवयव है वो बिलोंग करता है। अब तत्समक बिलोंग करता है तो एक प्लस एक ऐसा भी इसमें बिलोंग होगा जो अन बिलोंग टू अफ, जानते हैं आप। और देखिए मैं ऐसा एक चीज़ और लेता हूँ, देखिए इसमें अन बिलोंग टू अफ है तो इसका इनवर्स भी तो बिलोंग करता है, गुणात्मक प्रतिलोम, यही तो हमने पढ़ा था। तो माइनस अन भी बिलोंग टू अफ करेगा। अब देखिए आप जानते हैं कि अगर ऐसा है और अन कहाँ से बिलोंग करता है, अगर अन जड से बिलोंग करता है तो इस हिसाब से देखिए जड भी क्या हो गया, जड भी अफ का सबसेट हो गया। जड भी अगर अफ का सबसेट हो जाता है तो मैं दो एलिमेंट मानता हूं इसमें से कि एक तो ए बिलोंग टू जड है और बी बिलोंग टू जड है, जहां बी बराबर नॉट जीरो, जीरो नहीं होगा। अब जीरो नहीं है बी बराबर और ए बिलोंग टू जड है और बी बिलोंग टू जड है, तो क्या इसका बी इनवर्स बिलोंग टू जड करेगा। अभी हमने किया है माइनस एन बी कहां से बिलोंग कर रहा है जड, तो इसका इनवर्स है वो भी यहां से बिलोंग करेगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि देखिए ए बी इनवर्स बिलोंग टू अफ जो यहाँ पर हम लगाते हैं इसकी ऑपरेशन, ए बी इनवर्स बिलोंग टू अफ, अगर ऐसा है ए बी इनवर्स बिलोंग टू अफ आ रहा है तो इस हिसाब से क्या हो गया कि क्यू, ये हो गया समीकरण नंबर दो दे दीजिए। और यहाँ पर हमने प्रूफ किया था, सबसे पहले लेकर चले थे कि अफ क्यू है, ये समीकरण नंबर एक है, दोनों अगर एक दूसरे के हैं तो इस हिसाब से समीकरण एक व दो से क्या हो गया अफ बराबर क्यू हो गया। और इस हिसाब से क्या हो गया कि जो हमारा अफ है वो प्राइम फील्ड हो जाएगा, प्राइम फील्ड होगा। बस प्राइम फील्ड यही है कि यदि किसी फील्ड का कोई उचित क्षेत्र विद्यमान न हो तो वह प्राइम फील्ड कहलाता है। और फिर एक ये थ्योरम थी क्या कि जो रेशनल नंबर का फील्ड है जो अफ है वो क्या होगा, एक प्राइम फील्ड होगा, और ये हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये छोटी सी क्लास है, समय थोड़ा सा कम है, इस वजह से एक छोटी सी क्लास ली है हमने, और भी आपके लिए क्लासेज लाते रहेंगे। और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ऐसा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।